नमस्ते, अभिवादन अभिनंदन इन द प्रोग्राम ऑफ माय यूट्यूब चैनल अंडर द रूल एंड रेगुलेशंस। फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 33 अंडर द चैप्टर 4A एंड वी हैव कवर्ड अप टू द सेक्शन 33J पेनाल्टी फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस about the misadulterated and spurious and the misbranded adulterated and the spurious drugs. And as I said earlier that the only two sessions are more required to complete the chapter 4A of the Drug and Cosmetic Act 1940, and then we will go further for the drug rules 1945 and we will start from the rule 151. So today we are going to discuss very important points, and after that in the next session we will discuss about the section 33 N and O. Today we are going to discuss the section 33 K, KA, KB, 33 L and the 33 M. These. Let us start. So in the past you are hearing that every time in the penalty section, Act is directing that the penalty will be the 50,000 or 3 times more than the amount of the confiscated drug. Right? तो जो drug वहां पर कब्जे में ली गई है उसके मूल्य से 3 गुना या 50,000 रुपए से या 50,000 रुपए, अगर वो केस पहली बार है, स्पूरियस ड्रग है, तो इतनी पेनाल्टी लगेगी कुछ इम्प्रिजमेंट का। तो सवाल ये है कि कितनी दवा पकड़ी गई है और उसके मूल्य का 3 गुना। तो प्रश्न ये है कि वो कन्फिस्केशन करेगा कौन? आपने सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा, और आजकल तो ईडी का नाम सभी लोग जान रहे हैं। तो ईडी ने इनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की, ईडी ने यहाँ छापा मारा और इतनी संपत्ति जब्त की। तो ये जब्त क्या होता है? आप पढ़ रहे होंगे कि इनकम टैक्स ने छापा मारा कानपुर में और एक व्यापारी के यहाँ से इतने किलो सोना जब्त किया। सारे न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से दवाइयों की भी न्यूज़ आप पढ़ते होंगे कि इस कंपनी की ये दवा इतनी जब्त की गई। ठीक, तो चलिए, तो सेक्शन 33K क्या कहता है कि कॉन्फिस्केशन कैसे करेंगे। So where any person has been convicted under this chapter, the stock of the Ayurvedic Siddha Yunani drug in respect of which the contravention has been made shall be liable to confiscation. Simple है कि इस chapter के किसी provision का उल्लंघन करने पर, और वो क्या है? वो ये है कि आपके पास पहली बात proper license ना हो, आपके records ठीक ना हो, और फिर आपकी ड्रग साबित हो गई हो ड्रग एनालिस्ट के द्वारा, गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा, कि आपकी ड्रग आती है मिसब्रांडेड कंडीशन में, एडल्ट्रेटेड कंडीशन में या स्पूरियस कंडीशन में। तो जो भी दवा है उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। ये प्रोविजन यही कहता है कि उसके पास ये राइट है सेक्शन 33K के अंतर्गत। आप देखते होंगे बहुत सारे कोर्ट्स में सुनवाई होती है और उसमें फिर पुलिस के लोग होते हैं या कोई भी विभाग होता है, तो ऑनरेबल जज यही पूछते हैं कि आपके पास ये राइट कहाँ से आई, आपके पास ये अधिकार कहाँ से आया, कि नहीं आपने रात में छापा क्यों डाला, आपने किसी महिला को रात को स्टेशन पर क्यों रोका, पुलिस स्टेशन पर। तो ये सारे के लिए राइट दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में या IPC में, लॉ में, ये सारी चीज़ें मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये एक लॉ है सेक्शन 33K के अंतर्गत कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर इस चैप्टर 4A के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, डिसोबे करता है, देन द ड्रग विच हैज़ बीन प्रूव्ड एंड द सर्टिफाइड दैट दे आर नॉट गुड एंड द हार्मफुल फॉर द हेल्थ और देयर इज एनी अदर टेक्निकल प्रॉब्लम दैट विल बी कन्फिस्केटेड, उनको जब्त कर लेगी सरकार। ठीक, अब आगे चलते हैं। सेक्शन 33KA क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा, ये भी बड़ा शानदार है, पढ़ता हूँ पहले फिर इसको समझते हैं। एवरी पर्सन कॉमा नॉट बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग
or his agent for the distribution thereof, comma, shall, comma, if so required, comma, disclose to the inspector the name, address and other particulars of the person from whom he required the आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी ड्रग्स। आपने देखा होगा अगर आपकी रुचि होगी तो कि जब जजमेंट लिखाया जाता है तो ऑनरेबल जज कॉमा फुल स्टॉप बोलते हैं, और लॉ की बुक्स में तो कॉमा फुल स्टॉप एपोस्ट्रोफीस के इतने ज़्यादा अंतर हो जाते हैं मीनिंग के कि उसी को समझना और वही लॉ की पढ़ाई हो जाती है। तो देखिए इसमें इतने सारे कॉमा थे, हम आपको बड़े एक सिंपल वर्ड में बताते हैं। जिस व्यक्ति के पास से अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, नंबर वन पॉइंट, जो ये दवाएं मिली जो कि मिसब्रांडेड एडल्ट्रेटेड स्पूरियस की कैटेगरी में आ गई हैं, और वह व्यक्ति जिसके पास से मिले वो व्यक्ति मैन्युफैक्चरर नहीं है, वह उसका निर्माता नहीं है, तो उसको उस इंस्पेक्टर को उसने वो दवा उसको वो दवा कहाँ से मिली, किस व्यक्ति ने दी, कितनी दी, ये बताना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। पुलिस तो निकलवा ही लेती है तब, किसी भी तरीके से निकलवा लेती है, लेकिन यहाँ भी हमारे इंस्पेक्टर साहब को नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं और आपके पास इस तरीके की खराब दवाएं हैं तो उस व्यक्ति को कानूनी रूप से वो बाध्य है कि वह नाम बताए कि ये खराब दवाएं उसे किसने दी हैं। इससे ये होगा कि जैसे कि अभी पीछे सेशन में मैं बात कर रहा था कि सबको जिम्मेदार ठहराया जाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को, शॉपकीपर को, स्टॉकिस्ट को, फिजिशियंस को। और एक सेशन मैंने अभी किया है ब्रश द बसेस में कि कैसे आयुर्वेदिक दवाओं की मार्केट को स्ट्रांग किया जाए, तो उसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ये आप छुपा नहीं सकते हैं, आपको ये बात गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को बतानी होगी कि ये खराब दवाएं आपको कहां से मिली हैं, इसके लिए आप सेक्शन 33 KA के द्वारा बाध्य हैं। अब सेक्शन 33 KB क्या कहता है, ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस और इंफॉर्मेशन साथ देना। इसको फिर वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको अगर क्लासरूम में पढ़ना है तो इसको नर्सरी की क्लास की तरह से पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, टीचर के पास भी बुक होनी चाहिए, लाइन बाई लाइन सभी लोग पढ़ें और फिर उसके मसलों को, उसके बीच के छिपी हुई लाइनों को भी समझें, बिटवीन द लाइन्स क्या है उसको भी समझें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। तो एवरी पर्सन होल्डिंग ए लाइसेंस अंडर क्लास सी ऑफ द सेक्शन 33 EC, जो भी व्यक्ति एक लाइसेंस रखा है, देखिए 33 EC पर जाइए तो वहां पर यह है कि आपको लाइसेंस होगा कि आप एक स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाएंगे, और वो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ड्रग रूल्स में है, वहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे ड्रग रूल 1945 की, उस रूल 151 में, तो उसके डिटेल्स पर जाएंगे। तो जो भी वो लाइसेंस होल्डर है और इसके अंतर्गत सेक्शन 33 EC में आता है तो क्या करेगा, सेल कीप एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड्स, कीप एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड्स, कैसे, रजिस्टर रखेगा, and other documents as may be prescribed and shall furnish to any officer or authority exercising any power or discharging any function under the act such information as is required by such officer or authority for carrying out the purpose of the act। एकदम स्पष्ट है, जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है आयुर्वेदिक दवा बनाने का, उस व्यक्ति को सारे डॉक्यूमेंट्स, एवरी डॉक्यूमेंट शोइंग द रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, एविडेंस, T1, एवरीथिंग ही हैज और सी हैज टू शो कंपल्सरली टू द अथॉरिटी हु इज विजिटिंग द प्रमाइसेस टू गेट, to ensure
the implementation of the provisions of this law. Chapter 4A. तो चैप्टर फोर्थ ए के जो भी लॉज हैं, जो भी क्लॉजेस प्रोविजंस हैं, आपकी कंपनी उसका पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका निरीक्षण करने के लिए यदि कोई अथॉरिटी जाती है एसएलए के द्वारा, डिपूट या डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर हिमसेल्फ हरसेल्फ या गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, तो आपको ये सारी चीजें उसे दिखानी होगी। आप बाध्य हैं, आपको हर डॉक्यूमेंट उसे दिखाना होगा। होता क्या है जनरली, लोग जो बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटी कंपनियां हैं बरगलाने लगती हैं, नहीं दिखाती हैं। बहुत से के पीछे तो कारण ये होता है कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, वो सर्टिफिकेशन होता ही नहीं है, तो वो इधर उधर की बात करते हैं। जैसे कि अब एक व्यापारियों के यहाँ ही चाहिए या कोई भी किसी भी तरीके के कारखाना फैक्ट्री चल रहा है और जब वहाँ पर अथॉरिटीज जाती हैं उस विभाग से संबंधित, तो उनको दिखाना पड़ता है हर एक चीज़। आप इवन कि आप जब कैरी करते हैं और कुछ अच्छे अमाउंट में आपके पास कैश मनी है, तो आपको कागजात लेके चलने पड़ते हैं रास्ते में ट्रेवलिंग में कि हाँ ये इस ट्रांजेक्शन के की कैश मनी है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपकी कंपनी को जरूरी है सेक्शन 33KB के अंतर्गत कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, और मेंटेन ही नहीं करें, जब अधिकारी दिखाएं, जब अधिकारी चाहें निरीक्षण करें तो उनको दिखाएं। ठीक, आप एग्जाम में जाते हैं एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देने, तो एडमिट कार्ड आपको दिखाना होता है ना, जब आप आते हैं इन्विजिलेटर आपके पास, तो सेम थिंग ये है, यहाँ आपको दिखाना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 33L पर, मजेदार है ये। कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत मजेदार है, इस पर मैं एक शो किया हूँ ब्रश द बुशेस के कार्यक्रम में, और आज ये यहाँ भी बात करना चाह रहा हूँ। चलिए पहले पढ़ लेता हूँ फिर इसको डिटेल करता हूँ। 33L याद रखिएगा, 33L और स्पेशली गवर्नमेंट वाले लोग, 33L सेक्शन 33L ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। Application of provisions to the government departments, क्या कहते हैं ये, the provisions of this chapter, यानी कि chapter 4 थे, except those contained in section 33K, खाली 33K छोड़ के, तो 33K क्या था, confiscation, कब्जा, right, आगे बढ़ते हैं, shall apply in relation to the manufacturers for sell, yes, दो बार sell है, फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स बाई एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बाई एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर सेल, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच ड्रग बाई एनी अदर पर्सन। मतलब आ गया ना समझ में, बहुत सारे लोग इस तरह से रहते थे कि नहीं हम गवर्नमेंट में हैं, हमको ये इस पर लाइसेंसिंग नहीं लागू होगी, हमको हमको जीएमपी नहीं चाहिए, हमारा हम मिसब्रांडेड स्पूरियस और एडल्टरेटेड ड्रग का पेनाल्टी हमारे ऊपर नहीं लगेगा। अरे नहीं भगवान, देखिए तो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट की फार्मेसी पर भी वैसे ही लगेंगी, चाहे आप अपने कॉलेज में बना रहे हो, और जबकि आप कॉलेज में अपनी कॉमर्शियल सेल कर रहे हो तो खास बात, रिसर्च के लिए अभी अलग है, कॉमर्शियल सेल कर रहे हो या गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्रीज है जैसे कि ये IMPCL है मोहान में, या कोई भी गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, चाहे किसी भी सरकार की हो, किसी भी राज्य सरकार की हो, उसके ऊपर ये सारे कानून लगेंगे जो प्राइवेट कंपनियों पर लगते हैं। बस एक ही नहीं लग रहा है और वो सेक्शन 33K है। तो 33K क्या है कि अगर आपकी दवा इस चैप्टर के नॉर्म्स के अगेंस्ट पाई गई, मिसब्रांडेड स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड है, तो वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। तो 33K है, प्राइवेट से कब्जे में ले लेगी। अब यहाँ तो भैया अपनी ही है, यानी कि गवर्नमेंट की ही फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट वो कब्जे में लेकर के कहाँ गवर्नमेंट में जाएगी, तो वो गवर्नमेंट के कब्जे का मतलब ये हुआ कि भैया उसमें तालाबंदी हो जाएगी। तो इसलिए सेक्शन 33K खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर नहीं लगता है, बाकी सारी पेनाल्टी, और पेनाल्टी किससे वसूली जाएगी,
क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री देंगे कि आयुष मंत्री देंगे कि डायरेक्टर देंगे? नहीं, वो अधीक्षक महोदय से लगेगा जो वहाँ लीड कर रहे हैं, वो देंगे पूरा का पूरा, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। और मजेदार है, हम इसको अपने इंटरेक्शन में जब अपने पीजी पीएचडी स्कॉलर के साथ होते हैं तो कहते हैं कि भैया एक वो कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, एक हिंदी की फ्रेज है। तो यहाँ पर ठीक है कि सैया कोतवाल हुए हैं तो आपको डर नहीं, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी वाले हैं, आप गवर्नमेंट के आदमी हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी ये सारा प्रोविजंस आपके ऊपर लगता है अगर आप सही ड्रग नहीं बना रहे हैं। और गवर्नमेंट एनालिस्ट ने ये शो कर दिया कि आपने मिसब्रांडेड ड्रग बनाई है, एडल्ट्रेटेड बनाई है, स्पूरियस बनाई है, तो आप सजा के भागीदार हैं। और आपका जो कब्जा जो सरकार करती है वो ताला बंद कर देगी, सील बंद कर देगी, और साथ में आपको एक दो बैड इंक्रीमेंट दे देगी, रोक देगी, प्रमोशन रोक देगी, तो आप तो ज़्यादा घाटे में आ जाएंगे। इसलिए हे सरकारी अधीक्षक, फार्मेसियों के सावधान रहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। सेक्शन 33M ये कहते हैं कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट बाय एन इंस्पेक्टर विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 33G। हमने पिछले इंटरसेक्शन में भी कहा था कि एक सिंपल सा नियम होता है कि इस स्तर का अधिकारी ही ये काम करेगा। तो जैसे कि गाड़ी का चालान है तो सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का सिपाही जी नहीं काट सकते। तो यहाँ भी ये है कि किसी कंपनी के ऊपर, चाहे वो सरकारी, हाँ चाहे वो सरकारी, अभी 33L ने क्लियर कर दिया कि वो सरकार पर भी लगेगा, तो चाहे वो सरकारी चाहे वो प्राइवेट, एक इंस्पेक्टर जो है अनुमति लेके, सरकार की अनुमति लेके, जो स्पेसिफाइड व्यक्ति है 33G में, उसकी अनुमति लेकर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में, वो तो अगला है नंबर 2 पे, कि वही प्रोसिक्यूशन करेगा, मतलब कि प्रोसिक्यूशन करने के लिए अधिकृत इंस्पेक्टर है, और वो भी पूर्व अनुमति लेके। आपने सुना होगा कि किसी बहुत बड़े सीनियर अधिकारी को कि जो कि IAS लेवल में है या IRS हैं या कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाने के पहले सरकार से अनुमति ली जाती है। तो इन द सेम वे इंस्पेक्टर साहब को एक अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी कि हम इस सरकारी कंपनी या हम इस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, दंड के लिए। तो कहाँ जाएंगे? नंबर 2 पे है, 33M2 पर। नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द चैप्टर। समझ लीजिए, ये जो इंस्पेक्टर साहब मुकदमा करेंगे ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लेवल से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये एकदम से लोअर कोर्ट में नहीं चले जाएंगे, तहसील में नहीं जाएंगे कि तहसील की अदालत में या जो एकदम लोअर जुडिशरी है वहां ये मुकदमे नहीं हो सकते। आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ही इंस्पेक्टर साहब इन मुकदमों को करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तो आज की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो सरकार के लोग कहते रहते हैं कि नहीं हमको बहुत सारी स्वतंत्रता है, वो सही नहीं है। पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज फिर इस बात के साथ कह रहा हूँ कि सेक्शन 33L, इस जब मैंने पहला वीडियो किया था इस पर तो कई सारे सरकारी मित्रों ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि ये कैसे कह रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि हम कैसे कह रहे हैं। हम सेक्शन 33L के प्रोविजंस के हिसाब से कह रहे हैं कि आपके ऊपर सभी कुछ लागू होता है जो चैप्टर 4A में है, सिवाय कि आपकी दवा को कब्जा करके उसके ऊपर 3 गुना मूल्य लगाया जाए, क्योंकि वो सरकार की खुद की है तो खुद ही उसके कब्जे में है, वो खुद ही उसको तालाबंदी कर देगी। बाकी हर नियम, हाँ आपको बस एक ही जगह छूट है, यदि आप एक रिसर्च ड्रग बना रहे हैं और वो भी रिसर्च ड्रग आप सेल नहीं करेंगे, स्मॉल अमाउंट में बन रही है, खाली आपकी पीजी पीएचडी थीसिस में उपयोग होगी, वहां पर इस प्रोविजन से आपको छूट है,
बाकी अगर आप सेल करते हैं किसी भी दवा के लिए और उसकी रसीद कट जाती है तो आपको जीएसटी भी देना होगा। आयुर्वेदिक फार्मेसी बीएचयू में एज ए सुपरिंटेंडेंट मैंने जीएसटी दिया है। मैंने कहा कि भाई हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी है, हमको तो छूट दे दीजिए, हमसे जीएसटी मत लीजिए। लेकिन नहीं, आया हमारे पास डिपार्ट सेल टैक्स डिपार्टमेंट से। पहले हम लोग सेल टैक्स देते थे, जीएसटी आई तो हमने सोचा कि ये 5% और 12% का है, चलो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग सेल करते हैं, वो भी अपने ही एक ही प्रीमाइसिस में करते हैं, बाहर से नहीं करते हैं, बीएचयू के ही प्रीमाइसिस में करते हैं, तो जरा जीएसटी एग्जेम्पशन मांग लेते हैं, छूट देखें क्या होता है। दिमागी फितूर था, हमने लिखा और उत्तर बड़ा प्यारा सा मिला कि नहीं, आपको जीएसटी देना है और 5% देना है, क्योंकि हम लोग क्लासिकल ड्रग ही सारी बनाते हैं, तो 5% जीएसटी हम लोग दे रहे हैं। तो मित्रों, आपके भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में यदि आप रसीद काटते हैं, फ्री डिस्पेंस कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन यदि आप रसीद काटते हैं तो जीएसटी भी उसमें जुड़वा लीजिए, नहीं तो एक दिन रिकवरी होगी, आप ही से होगी, आप रिटायर हो जाएंगे फिर भी आप ही को ढूंढा जाएगा कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल हु हैव नॉट चार्ज द जीएसटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेल, ध्यान रखिएगा। फिर इसलिए सुपरिंटेंडेंट का टर्म 3-3 साल का होता है, वो होने के पहले मैंने इंश्योर किया कि मेरे पीरियड में जितनी दवा बिकी है सबकी जीएसटी हमने चालान से जमा करवा दी, ध्यान रखिएगा। चलिए आज इतना ही, और चैप्टर 4A के ड्रग एक्ट पर हम लोग फिर बात करेंगे और वो लास्ट होगा सेक्शन 33N और O। इसके बाद हम लोग ड्रग रूल्स 1945 पर चलेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो उनका हमेशा स्वागत, जरूर प्रश्न पूछिए, और लगातार बड़ी डिमांड आ रही है, एक से एक इश्यू पर बात करने की बात आ रही है, कोई मतलब तो अच्छा लग रहा है कि सभी लोग इतने जागरूक हैं और इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो साथ में आपके उत्साह का लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरे उत्साहवर्धन के लिए जो आवश्यक है वो आप करते रहिए, यानी कि प्रश्न पूछते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो दोनों पक्ष एक साथ चलते रहेंगे। धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, फिर मिलते हैं, नमस्ते।